guys, welcome to my YouTube channel Study Shiv with Kriti too. And into today's video, we're gonna start our series for semester 4 students beyond our political science. And into this video, we are going to start with our DSC 12, I think it is Global Politics. और इसमें हमने total 3 to 4 chapters ही दिए हुए हैं जो हमें cover करने हैं, which are going to be pretty easy. तो खैर इस video में तो हम सिर्फ unit 1 से शुरू करेंगे global politics का, which is locating global politics, and this is going to be part 1. As this is my first video, so I'm going to tell certain things. मैंने ये जो सीरीज शुरू की है बी ऑनेस्ट स्टूडेंट्स के लिए, तो ये 16 मिनट सीरीज है. सारे के सारे लेक्चर्स को विद इन 16 मिनट्स एक्सप्लेन किया जाएगा, समराइज किया जाएगा और आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे. तो अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाइए. मैंने साइट पे नोट्स अपडेट कर दिए हैं एंड देयर यू कैन गेट द नोट्स. इन केस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ अ डाउट, प्लीज डू लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन. ऑल्सो आई रन क्रैश कोर्स फॉर स्टूडेंट्स, तो अभी लाइव क्लासेस चल रही है सेमेस्टर 4 स्टूडेंट्स के लिए. हाउ एवर इट्स अ पेड कोर्स, टू नो मोर यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर. तो उस कोर्स में बेसिकली हम लोग रीडिंग से हमारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन करते हैं. आई टू टेक लाइव सेशंस, फिर उसका रिकॉर्डेड प्रोवाइड होता है स्टूडेंट्स के लिए. सो इफ यू वांटेड टू ज्वाइन, यू कैन जस्ट डू लेट मी नो. हियर लेट्स गेट स्टार्टेड. अदरवाइज आप कहोगे कि मैम यू जस्ट टॉक अबाउट क्रैश कोर्स एंड यू डोंट टीच. सो हियर वी गो. लोकेटिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स, बींग वेरी ऑनेस्ट, डीयू ने जो भी सिलेबस चेंज किया है ना, लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड, कुछ चैप्टर्स के नेम बदल दिए और एक दो टॉपिक डाल दिए, अदरवाइज द सिलेबस इज सेम. और जो फर्स्ट यूनिट है इसका बड़ा ईजी है, इसलिए सिर्फ 2 पार्ट बनेंगे इसके. तो इसमें हमें देखना है कि वेस्ट ने कितना ईस्ट को एक्सप्लॉइट किया, दैट्स इट. तो आपका जो भी जो भी इंफॉर्मेशन है अभी तक आपने जितना भी पढ़ा, यू कैन एड एवरीथिंग. सो इट्स मोर लाइक अ इंट्रो. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज यूरोपियन सेल्फ डेवलपमेंट नैरेटिव. यूरोपियंस और वेस्ट अपने आप को बोलता है कि हम अगर आज इतना ज्यादा डेवलप हुए हैं, इट इज बिकॉज हम लोग मॉडर्न थे, हम लोग सिविलाइज्ड थे, हम लोग शार्प थे, इंटेलेक्चुअल थे. सो इनटू देयर एंटायर नैरेटिव उन्होंने ईस्ट को हटा दिया. सो क्लेम्ड, यूरोपियन क्लेम्ड इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट एक्सक्लूडिंग ईस्ट. ईस्ट की तो जिक्र ही नहीं किया क्योंकि उनके एंटायर नरेशन में ईस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है. जॉन हॉब्सन वॉज द वेरी फर्स्ट स्कॉलर हियर जिन्होंने इस नोशन को तोड़ा था कि वेस्ट सिविलाइजेशन और वेस्ट जो क्लेम करता है कि उसने डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, साइंटिफिक डिस्कवरी अगर अपनी दम पे कर ली है, इट्स नॉट सो. क्योंकि ओरिएंटल ग्लोबलाइजेशन ने रिवील किया कि ईस्ट का क्रूशियल रोल रहा है. अब ये ओरिएंटल ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ओरिएंटल ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन वैसे तो मैं यहाँ प्रोवाइड करा दूंगी, बट टू सम अप वी कैन जस्ट से इट्स अ प्रोसेस वेयर वेस्ट इज क्लेमिंग दैट दे डिड ऑल द थिंग्स बाय देमसेल्फ, बट इट इज नॉट सो. दे यूज्ड रिसोर्सेज फ्रॉम ईस्ट इन ऑर्डर टू मेक देमसेल्फ मोर प्रोग्रेस्ड और डेवलप्ड. तो जॉन हॉब्सन वॉज द वन जिन्होंने पहली बार इस नरेशन को चेंज किया था. नाउ द नेक्स्ट वन इज ईस्टर्न कॉन्ट्रीब्यूशन टू वेस्टर्न डेवलपमेंट. तो ईस्ट ने किस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट किया, वी ऑल नो इम्पेरियलिज्म की कथा, कॉलोनियलिज्म की कथा, हाउ ऑल दीज एशिया अफ्रीका कंट्रीज आर एक्चुअली गेट एक्सप्लॉयटेड बाय देयर कॉलोनियल मास्टर. वहां के रॉ रिसोर्सेस को यूज करना, वहां के लैंड, लेबर, इकोनॉमिक को यूज करके फिर अपना विकास करना. सो दादा भाई नौरोजी का डेफिनेटली आपने नाम सुना होगा एंड दत्त, इन दोनों ने ही स्टडी की और इनके काफी ज्यादा एक्चुअली वर्क पब्लिक है, रीडिंग में दिया भी गया है. रीडिंग लिस्ट जो है, अगर आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर रीडिंग आपको नहीं मिल रही है, मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, सो दैट अगर वो रीडिंग मेरे पास होगी डेफिनेटली आई शेयर टू यू ऑल इन ऑर्डर टू रीड मोर इन डिटेल. तो इन्होंने एक्सपोज किया कि वेस्ट अभी तक एक्सप्लॉइट करता आ रहा है ईस्टर्न रिसोर्सेज फॉर इट्स ओन डेवलपमेंट. सेकेंड थिंग इज दैट हॉब्सन ने हाईलाइट किया था कि जो ईस्टर्न कॉन्ट्रीब्यूशन है वेस्टर्न मेजर डेवलपमेंट का कहीं ना कहीं, क्योंकि ईस्ट के जैसे कि मैंने बोला लैंड, लेबर, मास, देयर रिसोर्सेज, एवरीथिंग वॉज यूज बाय द वेस्ट. बेसिकली ये लोग क्या करते थे, जो भी इन्होंने डिस्कवरीज की, जो भी इन्वेंशन किए, जो भी साइंटिफिक रिलेटेड टर्म्स किए, उसके लिए पैसा कहाँ से लगाते थे और रिसोर्सेज कहाँ से लाते थे, ईस्ट से. और करते ये थे, एंड क्रेडिट कौन ले गया, एंटायरली वेस्ट ले गया.
तो बहुत टाइम तक, लाइक आई वुड जस्ट से ये कितनी बड़ी बात है कि आप एक घर में रहते हो, ठीक है, उस घर में आपकी सारी फैमिली रहती है, बट आपको अपने अलावा कोई नहीं दिखता, ठीक है. अदरवाइज लाइक अपने आप की ही तारीफ करना समथिंग जो वेस्ट बहुत टाइम से करता आया है, और इसका लेकिन कहीं ना कहीं शिफ्ट होता है, दैट बिकेम पॉसिबल ओनली आफ्टर पोस्ट इंपीरियल वर्ल्ड ऑर्डर. तो वर्ल्ड ऑर्डर, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, हमारा सेकेंड हुआ, सेकेंड जैसे खत्म होता है 45 के अराउंड, बाय दैट टाइम सारी की सारी कंट्रीज में, एशिया की, अफ्रीका की, इन सब में एक डिजायर इमर्ज हो रही थी फॉर द स्टेट नेशन, हमको चाहिए, एंड दे वर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म. सो आई वुड से मोर स्पेसिफिकली 19th एंड 20th सेंचुरी के टाइम तक आते आते सारी कंट्रीज समझ रही थी कि उनके साथ हो क्या रहा है. सो डिक्लाइन ऑफ वेस्टर्न इंपीरियलिज्म एंड राइज ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन शुरू होता है. दिस इज वन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बाय द गेट्यू, क्योंकि इनकी भी एक रीडिंग अवेलेबल है जहां पे ये बात करते हैं दैट हाउ पीपल ऑफ दीज एक्सप्लॉइटेड नेशन वर अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ सोवरेनिटी. सो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जब स्टैब्लिश हुआ, जब सारे के सारे जो अभी तक गुलाम बने हुए थे, इन लोगों को समझ में आ गया कि ये हो क्या रहा है. सो दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द सोवरेनिटी. वी वॉन्ट आर एरिया, वी वॉन्ट आर रूलिंग गवर्नमेंट, वी डोंट वॉन्ट यू पीपल टू रूल ऑन आस एंड एक्सप्लॉइट अस एंड हैरेस अस. तो नॉन इंटरवेंशन फिर इमर्ज होता है, बिकॉज इससे पहले नॉन इंटरवेंशन वेस्टर्न कंट्रीज में था, ईस्टर्न कंट्रीज के लिए तो ये अपना अधिकार समझते थे कि हाँ रोड तो इनके बाप की है, इन दैट वे. फोर, बर्लिन कॉन्फ्रेंस एंड नाम, यू ऑल नो कोल्ड वॉर, अगर आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है थोड़ा सा ग्लिम्स दे देती हूँ. कोल्ड वॉर के टाइम पे जब एंटायर दुनिया दो ब्लॉक में बटी हुई थी, एक जो यूएसए को सपोर्ट कर रही थी कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म, दूसरी जो यूएसएसआर को सपोर्ट कर रही थी सोशलिज्म और कम्युनिज्म, तब ये सारे दोनों ब्लॉक्स जो है कोशिश कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज इनके अंडर आ जाए, इनके पावर में आ जाए, सो दैट वो मैनिपुलेट कर सके, उनके रिसोर्सेज यूज कर सके, उनके टेरिटरी यूज कर सके एक दूसरे पर अटैक करने के लिए. बट देयर वर मेनी अदर कंट्रीज जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो चुकी थी, थक चुकी थी, दे डिसाइडेड अब हम इस फ्लो के साथ नहीं जाएंगे. तब बर्लिन, जो कि 1955 में इंडोनेशिया में एक जगह है, सिटी है, वहां पे सारे के सारे नाम लीडर्स मिलते हैं, मेन जो फाइव फाउंडिंग नेशन लीडर्स माने जाते हैं, उसमें से एक पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे. तो ये सारे मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि वी हैव टू रेज आर वॉइस अगेंस्ट वेस्टर्न कंट्रीज फॉर द इंपीरियलिज्म दे आर डूइंग विद अस. Somewhere Western countries didn't like it, obviously. जिसको इतने टाइम से गुलाम बना के रखा है, अचानक से वो गुलाम की जबान निकलने लगे, तो masters don't like it. नाम ने चैलेंज किया imperialism को, colonialism को, because जब already 200-300 साल से exploit हो रहे हैं, तो अब हम फिर से तुम्हारी साइड क्यों लें इस कोल्ड वॉर में, तुम्हारा वॉर है ना, डू इट. सो ऑल दीज कंट्रीज वर विथ नाम, दे डिसाइडेड हमको नहीं किसी के साथ होना है, जो गलत होगा हम उसको पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है. सो दिस वॉज द थिंग. नेक्स्ट टॉपिक इज दैट वेस्टर्न डोमिनेंस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स. अब वेस्ट हिस्टोरिकली डोमिनेट करता आ रहा है क्योंकि इसने ईस्ट के एक्सपीरियंसेस को इन्वॉल्व ही नहीं किया. हिस्टोरिकली डोमिनेट, अब सोचो ना कि एक मेरे साथ ट्रेजिडी हुई है या कोई घटना हुई है, उस घटना में मैं अपने आप को ही हाईलाइट कर रही हूँ, आई एम नॉट नरेटिंग अदर पीपल. फॉर इंस्टेंस, जैसे कि नेशनलिज्म है, वी कैन जस्ट से दैट कि नेहरू जी ने हमें सिर्फ आज़ादी दिलाई या गांधी ने आज़ादी दिलाई. देर वर मेनी अदर लीडर्स, मेनी अदर पीपल हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ टू गिव अस द फ्रीडम दैट वी हैव टुडे. तो दोज आर अनस्पोकन लीडर्स, बट उनका सिग्निफिकेंस है. वेस्ट ने कभी भी ईस्ट को मेंशन ही नहीं किया क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ये लोग इतने इंटेलेक्चुअली शार्प थे कि इन लोगों ने सब कर लिया. ईस्ट वैसे भी अनसिविलाइज्ड था, उसको तौर तरीके नहीं थे. हाउएवर एनालिसिस जब हॉब्सन ने किया, तब पता चलता है कि वेस्ट प्रोग्रेस ही ईस्ट के वजह से कर पाया क्योंकि ईस्टर्न कॉन्ट्रीब्यूशन डोमिनेंटली रहा है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर हम थोड़ा सा इतिहास अपना चेक करें, तो जब ये ओरिएंटल ग्लोबलाइजेशन इमर्ज नहीं हुआ था, कॉलोनियलिज्म नहीं हुआ था, सिल्क रूट हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, अफ्रीका हो गया, दे वर क्वाइट फेमस फॉर इट्स रिसोर्सेज एंड दे वर डूइंग वेल, यू नो. ये अपने गोल्डन पीरियड में थे जब ये अंग्रेज वगैरह नहीं आए हुए थे. शिफ्ट इन ग्लोबल क्लाउड, इमर्जिंग इकोनॉमीज आर नाउ ग्लोबल डायनामिक, सो थिंग्स आर एक्चुअली गेटिंग चेंज्ड. जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया, नाम बना, उसके बाद हम देखते हैं जैसे जैसे सोवरेनिटी, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आज
हमारी ईस्ट कंट्री समझ गई हैं. सो दे आर प्रोग्रेसिंग. इन दिस डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन पावर कुड बी सीन क्लियरली. रिलेटिवली एक्चुअली उतना स्ट्रांग फिर भी नहीं है बिकॉज अब मेजर प्लेयर आ चुके हैं. राइज ऑफ एशियाज रिसर्जेंस अगेंस्ट सॉरी राइज ऑफ एशियाज रिसर्जेंस मार्क द शिफ्ट हियर. लाइक वी डू हैव द कंट्रीज लाइक एशिया अफ्रीका नॉट कंट्रीज एशिया के कुछ कंट्रीज में चाइना इंडिया हम इनकी बात कर सकते हैं जो आज ग्लोबल लेवल पे जा चुकी है. इनफैक्ट वी हैव इजराइल और भी बहुत सारी कंट्रीज यू नो जिनके पहले कभी नाम नहीं सुने थे बट वो सिग्निफिकेंटली हमारी वर्ल्ड ट्रेड के लिए ग्लोबलाइजेशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो दैट्स इट. हमें सिर्फ इतना ही करना है. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको डाउट है या फिर नोट्स खोलने में कोई दिक्कत आ रही है. स्टूडेंट्स आई एम अगेन रिपीटिंग आई डू प्रोवाइड लाइव क्लासेस फॉर माय स्टूडेंट्स. तो अभी हमारे बैचेस भी चल रहे हैं. आई टेक क्लास इन द इवनिंग एक्चुअली. तो अगर आप लोग रजिस्टर करना चाहते हैं स्टिल यू कैन डू इट एंड गेट द गाइडेंस डायरेक्टली फ्रॉम मी. अंटिल देन बाय बाय फॉर नाउ एंड मिलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में.